नमस्कार, मैं ज्ञान सुमन। आप देख रहे हैं आपका फैसला बैप टीवी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस होगी सत्तासीन, हिमाचल में विकास रथ रुका। हिमाचल में विपक्ष निभा रहा अच्छी भूमिका, लेकिन भाजपा सरकार बहरी। हिमाचल कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला का गुरुवार को परमाणु से लेकर शिमला तक जोरदार स्वागत हुआ। ढोल और शहनाई की गूंज में कार्यकर्ताओं ने नए प्रभारी का स्वागत किया। सोनिया गांधी और राजीव शुक्ला के नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने महबूब नेता का हाथ जोड़कर स्वागत किया। कोरोना की वजह से किसी ने भी फूल गुलदस्ते नए प्रभारी को नहीं दिए। परमाणु में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विनोद सुल्तानपुरी के नेतृत्व में स्वागत हुआ, तो सोलन में विधायक कर्नल धनीराम शांडिल के नेतृत्व में प्रभारी राजीव शुक्ला का स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार, सोलन निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष संजीव ठाकुर समेत कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कंडा घाट में रमेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रभारी का स्वागत हुआ। आपका हिमाचल में आना हुआ, ये क्या कारण है और क्या लगता है कि आप ये दौरा आपका किस वर्ष के दौरान रहेगा? हिमाचल में आना इसलिए राजीव जी, आप पहली बार हिमाचल आए हैं, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? हिमाचल में पहले कई बार आया हूँ, लेकिन चार्ज के रूप में पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस की सरकार वापस आने की पूरी संभावना है, पूरे आसार हैं। और जो विकास का रथ रुक गया था, जो विकास थम गया था हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार आने के बाद विकास का काम फिर से शुरू होगा। जो वहाँ 14 लाख लोग बेरोजगार हैं, युवा, उनको रोजगार देने का काम हम करेंगे। राजीव जी, आपका 2 दिवसीय पहले भी जो है इस दिशा में काम किया है और आपको पता है कि इंदिरा जी ने हिमाचल को स्टेट का कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रही है और आपसी खींचतान वो बहुत चल रही है, ऐसे में आप कैसे समझते हैं कि जो लगता है कि हमसे ज्यादा खींचतान भाजपा में चल रही है? कांग्रेस में बहुत कम खींचतान और सब लोग एक साथ हैं और एकजुट मिलकर एक परिवार की तरह काम करेंगे। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, मैं समझता हूँ पुरजोर ढंग से विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपनी बात उठा रही है, लेकिन ये सरकारी जब बहरी है तो हम क्या कर सकते हैं? शुक्ला जी, जैसे कि आप सेंटर में भी विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी किसान बिल जो है पास हो रहा है, जैसा कि सेंटर में भी देखने को आ रहा है विपक्ष भूमिका निभा रहा है, लेकिन जो किसान बिल है फिर भी जो है वो पास हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं, उस संसद की परंपराओं का पूरी तरह से हनन है और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। विपक्ष की आवाज भी सुनी नहीं जा रही, विपक्ष की बात सुनी नहीं जा रही। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बैठे कांग्रेस की सरकार का ऐसा क्या मानते हैं कि जो स्वागत है, ऐसा क्या है कि जो भाजपा